इसकी रूट्स जो हैं वो पूरी तरीके से इसके पॉट से बाहर आ गई हैं। इसका मतलब है कि अब इसे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। इस तरीके से जब आपकी मिट्टी लूज हो जाए तो इसको आप पकड़ करके निकाल लीजिए। जब आप अपने पौधे को डेकोरेट कर ले इस तरीके से, तो उसमें पानी डालिए। हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास कैक्टस हैं और ये जो हैं वो छोटे छोटे गमलों में लगे हुए हैं, बट ये बहुत बड़े हैं। इनसे भी बड़े हैं मेरे पास कैक्टस, जो कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में भी दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। ये देखिए, ये इतना लंबा है और ये देखिए इतने छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है, और ये फिर भी कितना हेल्दी है। इसका कलर देखिए, इसकी शान देखिए, ये बिल्कुल ही ड्राई है और फिर भी ये जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। ये मेरे यहाँ घर पे बाहर रखा हुआ है, बट अब इसका रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है। अब रिपोर्टिंग का टाइम कैसे पता चला कि मुझे इसे रिपोर्ट करना है, वो ये है कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो रूट्स जो हैं वो गमले के बाहर आ रही हैं। ये देखिए, इसकी रूट्स जो हैं वो पूरी तरीके से इसके पॉट से बाहर आ गई हैं। इसका मतलब है कि अब इसे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको रिपॉट करना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ ताकि इसकी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी लूज हो जाए और ये इजीली पॉट्स के साइड को छोड़ दे। इस तरीके से पानी डालने के बाद आप इसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि मिट्टी जो है वो सारा पानी सोख ले। और मैं अंदर इसमें जब स्पून डाल रही हूँ, सो आई कैन फील कि इसमें सिर्फ जड़ ही जड़ रह गई है और मिट्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इससे मिट्टी थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी और जब हम नेक से पकड़ करके प्लांट को निकालेंगे तो वो बहुत ईजिली बाहर आ जाएगा। अगर आपकी कुछ जड़ें टूट जाती हैं तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप इसको पॉट पे लगाएंगे दोबारा नए पॉट में तो वो आ जाएंगे दोबारा वापस। अपने हाथ का ध्यान ज़रूर रखें बिकॉज इसमें कांटे बहुत होते हैं और कोई कोई कैक्टस पॉइजनस भी होता है। इस तरीके से जब आपकी मिट्टी लूज हो जाए तो इसको आप पकड़ करके निकाल दीजिए। बहुत सावधानी से ये काम कीजिएगा। आराम से मिट्टी निकल आई। इसकी जड़ें देखिए, मिट्टी दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ जड़ ही जड़ें हैं। इसमें भी देखिए, मैंने पहले भी इसमें छोटे छोटे से पेबल्स डाल रखे थे, इनको भी डेकोरेट करके रखा हुआ था। अब मैं इसको दूसरे पॉट में लगाऊंगी। अब इसके लिए हम जल्दी से मिट्टी बनाते हैं। और अगर आपको जानना है कि ये मिट्टी मैं कैसे बनाई हूँ, उसमें मैंने कितना कितने प्रोपोर्शन में क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो आप टॉप राइट जाके इसी वीडियो पे उस लिंक पे जाके वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे ये मिट्टी बनाई है। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको ये सॉइल तैयार करनी है अपने कैक्टस और अपने सेकुलेंट्स के लिए। एक पॉट लीजिए, मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का पॉट लिया है क्योंकि इसमें प्लांट्स बहुत हैप्पी रहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। एक होल बहुत ज़रूरी है इसमें। आप इसके ऊपर एक छोटा सा कोई भी ईंटा रख दीजिए, और अगर आपके पास कोई दिए का टुकड़ा है जैसे कि यहाँ पे है तो ये सबसे बेस्ट होगा। अब आप इसमें पहले थोड़ा सा सॉइल डालिए। ध्यान रखिएगा कि आपने जो ईंट रखी थी वो अपनी जगह से ना हिले, अदरवाइज आपकी सारे सॉइल जो है वो जब आप इसमें पानी डालेंगे तो वो बह जाएगी। अब आप इसमें अपने प्लांट को लगा दीजिए। ध्यान से लगाइएगा, देख लीजिएगा कि वो बीच में है कि नहीं, और अपने हाथों का ध्यान ज़रूर रखिएगा
ग्लव्स पहनना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज इनके कांटे जो हैं वो बहुत ज़ोर से लगते हैं। मुझे कुछ दिन पहले लग गए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अब सब तरफ से आपने जो सॉइल तैयार की है अपने प्लांट के लिए, वो उसमें डाल दीजिए। इसको इस तरीके से पूरा ऊपर तक भर दीजिए और अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा पॉट नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज कैक्टस को और सेकुलेंट्स को बहुत ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं कि सॉइल का कलर बहुत अच्छा आया है और इसको अगर आप फील करेंगे तो इसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ नहीं है, वो रफ है और ऐसे ही रफ होना चाहिए ताकि पानी उसमें बिल्कुल भी ना रुके। इस चीज़ का ध्यान आपको हमेशा ही रखना है। अब मैं इसको थोड़े से पेबल से डेकोरेट कर दे रही हूँ, उससे ये अच्छे भी लगेंगे और साथ में इनको भी फीलिंग आएगी कि ये अपने ही घर पर हैं, ये किसी डेजर्ट में हैं, बिकॉज वहाँ पे पेबल्स और स्टोन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, मैं कुछ वाइट कलर के स्टोन्स भी जो कि मैंने एक पेट शॉप से लिया था, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं इनकी हेल्प से इसको डेकोरेट कर दे रही हूँ। ये देखिए ये तैयार हो गया। अब अगर मैं इसको 2-3 साल भी रिपॉट ना करूँ तो कोई इशू नहीं है। जब आप अपने पौधे को डेकोरेट कर ले इस तरीके से तो उसमें पानी डालिए और तब तक डालिए जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर नहीं आ जाता है। अब इसके बाद इसको 1-2 हफ्ते तक पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जब पौधे किसी भी पौधे को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, एक पॉट से दूसरे पॉट पे, तो उसको शाम को कीजिए, बिकॉज दिन में जो धूप होती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो कैक्टस हो, चाहे वो सिकुलेंट हो, चाहे वो और एग्लोनिमा हो, किसी भी तरीके का पौधा हो। कोशिश कीजिए कि आप उसे शाम को ट्रांसफ़र करें या अर्ली इन द मॉर्निंग, ताकि उनकी जो रूट्स हैं वो धूप से एक्सपोज ना हो और उनको बहुत अच्छा टेम्परेचर रात भर मिल सके। ये मैंने आपको बताया कि कैक्टस को कैसे रिपॉट किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेकुलेंट को कैसे रिपॉट किया जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।